ये है सारे एक्स सीरीज के बेब्लेड्स मेरे पास, और ये है हमारा नट बोल्ट वेलक्री जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी फाइट करेंगे, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पोल इसका आया है कि इनकी फाइट करो। मैं चाहता था आईबी डिस्ट्रॉयर से करने की, क्योंकि कमेंट्स में सबसे ज़्यादा आईबी डिस्ट्रॉयर था, बट बेब्लेड एक्स भी था और टीमन किंग्स भी थे, इसलिए मैंने पोल डाल दिया। और पोल में भाई साहब सब ने इनका नाम ले दिया, और मैं नहीं चाहता यार इनको तोड़ना, बट अब बोला है तो करना पड़ेगा गाइस, इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई। अगर टूट गए ना तो भाई बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये अभी अभी आए हैं मेरे पास। कमाल की बात ये है गाइस। और हाँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ भाई, तो एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो को लाइक कर दो भाइयों। और क्या हाल है गाइस, एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। ओके गाइस, तो देखते हैं भाई। इस बार मैंने लॉन्चर ही बदल दिया, नया ही ले लिया भाई। चलो ये अभी देखते हैं ये लॉन्च करेगा इसको। अरे क्या दिक्कत है चीचा। ओके नाइस, ये अच्छे से कर रहा है। और गाइस मैंने चश्मा नहीं पहना है, तो मेरे को दुआ करना। मैं ना पिटू भाई, ये तो बहुत बुरी तरह से मारेगा सबको। ओके मैं चश्मा पहन आता हूँ भाई, मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, तो लास्ट में एंड रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे किस पे कितना डेंट पड़ता है। ठीक है, तो पहला हो चुका है हमारा नाइट शील्ड। देखो गाइस, बेब्लेड से खेलना वैसे तो सेफ रहता है, बट ऐसे ऐसे बेब्लेड से खेलना सेफ नहीं है, इसलिए चश्मा वश्मा सब कुछ लगा के फिर करना फाइट। ठीक है, ओके करते हैं अभी ड्रैन सोर्ड से, आराम से लॉन्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रैन सोर्ड शायद टूट सकता है। ओह बहुत तेज लगा भाई, बहुत बुरा लगा मेरे को ड्रैन सोर्ड के लिए भाई साहब। एंड में देखेंगे रिजल्ट किसका क्या रहता है, अभी नहीं देखेंगे गाइस, पहले सब की करा लेते हैं। मैंने सब लिए हैं बेब्लेड, सिर्फ ड्रोंजर को छोड़ के। मैं नहीं चाहता भाई उसको कुछ हो जाए। अबे ये क्या हुआ, मैंने इसको लॉन्च ही नहीं किया दोबारा। रुका गाइस, दोबारा करेंगे लॉन्च इसको। 3 2 1 हो जाए शुरू, ऐसे थोड़ी होगा, दो बार करेंगे लॉन्च। ओके 3 2 1 हो जाए शुरू। भाई टूट गया, नहीं टूटा तो नहीं है गाइस, बच गया, बट बहुत बुरा लगा है इसको, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बर्स्ट कर दिया गया गाइस, और कमाल की बात ये है कि बिना रैचेट पे लगे हुए बर्स्ट हुआ ये। देखो रैचेट पे कोई निशान नहीं है, ये कल की फाइट के होंगे, क्योंकि इतना छोटा मोटा निशान ये नहीं देगा। ये देगा तो पूरा डेंट ही देगा भाई, यही तो डीमन किंग की खासियत है। आ जाओ भाई विजर्ड एरो पे, विजर्ड एरो ग्रीन एडिशन, एक डिफेंस टाइप। भाई ये बच गया था तो वापस क्या डोके लेने आया था भाई, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। ओके भाई विजर्ड एरो बच गया था, वापस आया है लड़ने, अरे डांगर। ठीक है कोई बात नहीं गाइस, हेल साइड। ओ भाई ये क्या था, बहुत तेज मारा यार। अरे और मत मारना यार इसको भाई, एक बार में बहुत सारे अटैक्स मार लेता है ये। ठीक है बारी है दोबारा दूसरे हेल साइड से करने की, रुको दोबारा करेंगे ना। चलो गाइस, मतलब ड्यूरेबल है एक्स बेब्लेड्स। भाई मेरा तो गला ही खत्म हो जाएगा यार, देखो बिना रैचेट के टिप के साथ खेल रहा भाई। अरे हाँ, तो बिना रैचेट के लगे हुए बर्स्ट कर रहा है यार ये, नाइस। मुझे नहीं लगा था कि ऐसे कर पाएंगे, बट ये देखो इसमें भी डेंट लगा है। ये तो शायद इसी का गाइस, शायद इसी का ये तो, क्योंकि इतना तेज तो और कोई मारेगा नहीं, तो इसको रैचेट से ही मारा है। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेब्लेड पे, जो कि है हमारे पास क्या है, ये विजर्ड एरो ही नॉर्मल एडिशन। 3 2 1 हो जाए शुरू। भाई रुको, बक्स देना यार इसको। 1 2 3 टक्कर, बच गया फिर से टक्कर। ओ नाइस, अरे भाई ये क्या कर रहा है, अरे 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 भाई सबसे ज़्यादा टिका है विजर्ड एरो, सबसे ज़्यादा टिका है भाई, अभी तक टिका हुआ है यार, ये कैसे कर सकता है ऐसे भाई साहब। सबसे ज़्यादा फाइट लिए गए इस विजर्ड एरो ने, तालियां होनी चाहिए विजर्ड एरो के लिए, बहुत बढ़िया विजर्ड एरो। बारी है नाइट लांस की, नाइट लेंस लेंस लांस जो भी कह लो यार इसको। ओके नाइट लांस को फुल स्पीड में लॉन्च करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या रहता है। 3 2 1 हो जाए शुरू। बेटे ओए,
भाई साहब फुल स्पीड में लॉन्च करने का यही तो फायदा है। अरे रुक जा यार, रुक जा। तो ये तो बहुत ही डेंजरस था गाइस, बट जो भी है एंड रिजल्ट देख लेते हैं। मुझे नहीं लगा था इतने ड्यूरेबल होंगे बेब्लेड एक्स, बट ड्यूरेबल हैं गाइस। इसको देखते हैं इसमें कहाँ डेंट लगा है, कहाँ लगा हुआ भाई। नो डेंट, कोई डेंट नहीं है। है गाइस, है यहाँ पे लगा, देखो ये अगर देख पाओ ये छोटा सा निशान है यहाँ पे, लेकिन पूरा डेंट है वो, छोटा सा अलग प्रजाति का डेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट शील्ड पे। नाइट शील्ड पे कहाँ डेंट लगा हुआ है, इसके डेंट अलग दिख जाते हैं भाई। ये देखो यहाँ लगा हुआ है, ये इतना बड़ा सा, इसके डेंट अलग दिख जाते हैं। एक ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ओके। ड्रेंस बोर्ड भाई, इसके तो लोहा ही उतार दिया, देखो यहाँ पे मारा है इसके। अरे भाई ये तो शायद इसका नहीं है, ये पहले का होगा मे बी, जो बहुत ज़्यादा मैसिव है, जैसे कि ये हो गया और हाँ ये इसने किए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जैसे कि ये भाई पूरा बड़ा ही छील दिया इसने तो। ये देखो पूरा छील दिया यहाँ तक, ये भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है ओके। विजर्ड एरो, ये शायद तो जल्दी भाग गया था, बट इसके भी लगी है भाई, बहुत तेज लगी है इसके भी। देखो निशान पड़ा है पूरा, निशान क्या डेंट पड़ा है, वो भी खड्डा पूरा मस्त वाला, ठीक है ओके। एक ही टक्कर लगी थी इसको, इसको लगी थी सबसे ज़्यादा शायद। देखते हैं इसका क्या रहता है। ये नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है, ठीक है ओके। इस पर कुछ नहीं लगा गया इस, तो ये बच गया। इस पर यहाँ लगा था ना, ये देखो यहाँ लगा इसके सीधा, इसलिए बच गया ये, ठीक है। विजर्ड एरो जिसने सबसे ज़्यादा टक्कर लिए हैं, इस पर सबसे ज़्यादा डेंट भी होंगे, तो देख लेते हैं कहाँ है इसका डेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा इस नीचे की तरफ, और तो कुछ खास नहीं लगा मुझे कोई भी डेंट इसमें। नाइस, यानी कि ड्यूरेबल है विजर्ड एरो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जेल के भी बचा हुआ है ओके। बारी है हेलसाइथ की, हेलसाइथ शायद ऊँचा है ना थोड़ा सा हेलसाइथ, इसलिए बॉस हो जाता है यहाँ से, बट जो भी है इसके कोई निशान नहीं है गाइस उसका, ठीक है। बारी फर्स्ट बेब्लेड की, इसमें देखते हैं कहाँ निशान होगा। नहीं है गाइस इसमें भी कोई भी निशान, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की वीडियो, और एक और बैटल करनी है मेरे को ऐसे ही मज़े में, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है कभी कभी थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होना चाहिए गाइस, मज़ा आ जाता है भाई देख के डिस्ट्रक्शन। ओके किससे करें, किससे करें, हेलसाइथ सॉरी विजर्ड एरो सॉरी क्या नाम इसका, ड्रेंसोर्ड। अरे यार क्यों हट भाई, मैंने इतना मस्त लॉन्च किया था, ठीक है भाई ये नहीं करना चाहता, हम नाइट लेंस से करेंगे लॉन्च, लेंस लॉन्च ठीक है ओके। नाइट लेंस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भाई। अरे भाई चल रहा है अभी भी चल रहा है। अरे रुक जा यार, उसको मत मार, वो बड़ा नाजुक चीज़ है यार, उसको मत मार यार ओके गाइस। देखते हैं कहाँ डेंट पड़ा इसके, कहाँ पे फेंका है गाइस इसको। इसको बहुत मारा है, लेकिन नाइट लेंस थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से मेटल बढ़िया यूज़ किया गया है, मेटल बढ़िया नहीं मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ किया गया है, कोई निशान नहीं है इस पर। तो एक्स बेब्लेड्स काफ़ी ड्यूरेबल है, हाँ एक बात है कोई नहीं जीत सकता इससे, इससे कोई भी नहीं जीत सकता, एक सिर्फ और सिर्फ डीमन गोड को छोड़ के। डीमन किंग भी नहीं जीत सकता, लेकिन डीमन गोड के चांसेस हैं 60%, इसके 40% है उसके 60% है, इसलिए डीमन गोड स्टिल बेस्ट हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है गाइस, ठीक है। तो बताओ यार नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट तो मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है टॉपिक में, बहुत सारे दो तीन तो मेटल बेब्लेट्स पड़े हैं अनबॉक्स करने, कुछ और बेब्लेड अनबॉक्स करने पड़े हैं, तब तक नया लोट भी आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, तो करते हैं भाई वीडियो का एंड।